कैसे हो भाई और बहनों। चलो शुरू करते हैं। पहले हम लोग टाइप कर लेते हैं जोसा, ठीक है, जोसा, और गूगल में टाइप किया। भाई यहाँ पे एक नेटवर्क दिखा रहा है क्योंकि मैंने नॉर्मल में खोला था लेकिन वहाँ पे कुछ एरर आ रहा था, इसके वजह से मैंने एक नेटो में खोल रखा है। देखो ये पहली जो वेबसाइट आ रही है JOSAA.NIC.IN, यही ऑफिशियल वेबसाइट है और सब तुम्हारे काटने वाले वेबसाइट है, तो उस पर मत खोलना, इसी को क्लिक करते हैं। चलो भाई वेबसाइट खुल गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देखो एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, ये सभी डालना है। या यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है भाई पासवर्ड सेफ्टी से रिलेटेड, तो मैं अपना जेई मेन एप्लीकेशन नंबर डाल देता हूँ, ठीक, उसके बाद पासवर्ड डाल देता हूँ। और ये जो कैप्चा सिक्योरिटी पिन आ रही है इसे भी डाल देता हूँ। ठीक है भाई अब लॉगिन करते हैं। ठीक है भाई लॉगिन हो गया है, देख सकते हो इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं कि मैंने जोसा का बिजनेस रूल्स पढ़ा है और लॉकिंग के बारे में, और सभी ये सब पढ़ सकते हो, तुम्हारे में भी आ ही रहा होगा। चलो तो इस पे क्या करते हैं, आई एग्री पे क्लिक करते हैं। नहीं एग्री करोगे तो तुम्हें भाग भी लेने ले देंगे। देखो ये मेरी रैंक दिखा रही है, ये मेरी EWS रैंक दिखा रही है, और ये पर्सनल डिटेल्स हैं, ये सभी मैच करने के लिए पूछा गया है। अब JEE एडवांस, ये मेरा ब्लैंक दिखा रहा है, मैंने क्वालिफाई नहीं किया था। सही बात है भाई, आपको जो समझना है आप समझ लो। चलो पासिंग प्लेस ऑफ क्लास 12th, ये देखते हैं, ये विद इन इंडिया है अपना भाई, विदेशी ना हो, इंडिया नहीं। चलो डिक्लेरेशन पे क्लिक करते हैं और सबमिट एंड रिव्यू पे क्लिक करते हैं। ये देखो नाम आया, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी PWD, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, सही है भाई, हाँ सही है, जेंडर मेल, भाई मेल ही है, नेशनलिटी इंडियन, पासिंग प्लेस ऑफ क्लास 12th विद इन इंडिया, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी बिहार, सही है भाई। देख लो बोल रहा है कि एक बार कंफर्म हो गया उसके बाद क्रेडेंशियल चेंज नहीं कर सकते हो, एक बार मिला जरूर लेना। जेई मेंस सही है, कैंडिडेट्स नेम सही है, भाई थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, जिंदगी का सवाल है, मिला लेता हूँ। चलो भाई मैंने तो मिला लिया है, अब कंफर्म पे क्लिक करते हैं। फिर पूछ रहा है, हाँ भाई ओके ओके, हाँ देखो टोटल अवेलेबल चॉइसेस जो है वो है 423, मैंने पिछले साल भी अप्लाई किया था, 410 था, लेकिन रैंक बहुत ही ज़्यादा थी इस वजह से नहीं आ पाई, और अभी तक मैंने एक भी चॉइस नहीं फिल किया है। आपके भी पहला डैशबोर्ड में ऐसा ही दिखाई देगा, और ये सभी आप देख सकते हो। देखो भाई पहले आते हैं अपने चॉइस फिलिंग पे, जिसका तुम्हें बहुत बेसब्री से इंतजार होगा। भाई लॉकिंग पे तो टिपना मत, वरना उस पे एक बार तुमने क्लिक किया और अगर पासवर्ड डाल दिया फिर तुम्हारा गया। भाई देखो पहले आप जैसे जो भाई मेरे इसमें IIT क्वालिफाइड होंगे वो भाई थोड़ा इज्जत डिजर्व करते हो यार, आप आपने IIT क्वालिफाई किया है, लेकिन हमें भी जीने का अधिकार है, इट्स फॉर फन ओनली, डोंट टेक इट सीरियस, ऑल राइट। तो देखो भाई यहाँ पे IIT का ऑप्शन है फिल्टर के लिए, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन में शॉपिंग करते हो ना वैसे ही यहाँ पे इंस्टीट्यूट का पहले फिल्टर लगा सकते हो, सपोज पहले IIT, उसके बाद यहाँ पे तुम्हें अपना जो कॉलेज है जैसे IIT का सिलेक्ट करना हो या फिर NIT का सिलेक्ट करना हो वो सभी कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे सारी इंस्टीट्यूट उसी हिसाब से आ जाती हैं, और यहाँ सारे प्रोग्राम्स कौन कौन से प्रोग्राम हैं, तो
फिल्टर करते हैं अगर। भाई यहाँ कुछ गड़बड़ी है। चलो कोई नहीं, लगता है मेरा आईआईटी नहीं हुआ है इसलिए इसमें आईआईटी का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है इन्होंने। सॉरी, माफ करना भाई, एनआईटी पे आते हैं। अगर एनआईटी मैंने क्लिक किया और यहाँ फिल्टर करता हूँ तो जितने एनआईटी हैं वो सारे एनआईटीज आ गए। ठीक, और नीचे में कुछ और सभी कॉलेजेस भी आ रही हैं, उससे अपन को टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे ऑल इंस्टीट्यूट रहने देते हैं। सपोज कि हमें एनआईटी वारंगल या फिर त्रिची पढ़नी है, ठीक है, वो त्रिची नहीं, त्रिचुपल्ली लिखते हैं हम लोग, TRI। तो देखते हैं भाई इसमें। हाँ देखो, यहाँ तिरुचिरापल्ली, NIT तिरुचिरापल्ली का यहाँ पे आ गया। अब इसमें पहले अपना कंप्यूटर साइंस ऐड करते हैं, फिर इसका बहुत सारी ब्रांचेस हैं, फिर इसका हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फिर इसका करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इसका करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर इसका करते हैं सिविल। सपोज ये मैंने किया, तो ऐसे ही आप फिल्टर कर करके आप इसमें भर सकते हो। जैसे NIT राउरकेला का मैं अभी देख लेता हूँ। ठीक, देखो राउरकेला का आ चुका है, तो राउरकेला का फिर मैं यहाँ पे पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भर दिया। ये मैं एक डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ, जब मैं पूरा भर लूंगा तो मैं भी आप लोग को एक वीडियो इसका जरूर शेयर करूंगा, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मैं कैसे भर रहा हूँ अपना। तो ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ। और हाँ, यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा, सपोज क्या कि आपने कोई गलत ऑप्शन भर दिया, सपोज क्या कि मैंने NIT त्रिची का मुझे मैकेनिकल नहीं भरना है, तो यहाँ रिमूव पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ ओके करोगे, ये डिलीट हो जाएगा। सही है भाई? ठीक है भाई। फिर देखो, अगर जैसे 4 नंबर पे आपका ये सिविल है लेकिन आप चाहते हो कि CS मेरा ऊपर जाए, यहाँ पे आप पे क्लिक करोगे तो वो ऊपर चला गया होगा। देखो 4 नंबर में इसका राउरकेला का आपका 4 में चला गया ना। इसी तरह सपोज करो कि अब जिसे NIT राउरकेला का 4 से 3 पे ले जाना है, आप करना है, आप कर दिया भाई। ठीक है, अब सपोज करो कि ये NIT तिरुचिरापल्ली का 2nd पे है, इसको 3rd पे लाना है, तो इसको डाउन पे क्लिक करो। ठीक है भाई, देख पा रहे हो? हाँ सही है। अब देखो, अगर ये सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो ये सेव होगा, ये करना ही है। ठीक है, जब भी अगर एक ऑप्शन भी अगर तुमने ऐड किया है तो उसे सेव एंड कंटिन्यू पे जरूर क्लिक करो। ठीक, सेव पे क्लिक करो, और ये भी बता देता है कि तुमने कितने ऑप्शन सेव किए, कितने टाइम में, ये सब नॉर्मल है। देखो भाई, लॉक कभी मत करना, मतलब करना लेकिन जब तक पूरा अपने से भर नहीं लो तब तक लॉक मत करना। तो ये सभी ऑप्शन है, मल्टीपल डिलीशन, चॉइस इंटरचेंज, चॉइस रीअरेंज, मैनेज फील्ड चॉइसेस, सब पे डिटेल वीडियो आएगी, चिंता मत करो। अभी मैंने एक डेमो वेबसाइट बस ऐसे ही बताया है। देखो यहाँ पे तुम्हारा अनलॉक दिखला रहा है, तब तक तुम गुलछर्रे उड़ा सकते हो अपने चॉइस के साथ, लेकिन एक बार ये लॉक्ड हो गया उसके बाद ऊपर वाला ही जाना है, मुझे नहीं पता। ठीक है भाई, और फिर इसे लॉग आउट कर देना, और नहीं तो अगर तुम्हारा अपना कंप्यूटर है तो करने की क्या जरूरत है। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, और देखते हैं क्या है। नहीं, यू हैव लॉग्ड आउट सक्सेसफुली, और खुदा हाफिज, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। भाई इग्निटो में, इग्निटो को देखकर ज़्यादा दूसरे चीज़ वाली फीलिंग मत लाना, यहाँ पे एजुकेशनल बातें हो रही हैं, लेकिन मैं थोड़ा फनी भी हूँ।
इसलिए। ओके भाई, थैंक यू।